बच्चों तो आज मैं फिर आपके लिए क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का पहले क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और इसमें पहला क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं, और पिछले वाले वीडियो में पहला क्वेश्चन कराया था, और साथ में 1.2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय 1.2, उस प्रमेय को आप जरूर समझो। इस क्वेश्चन को 10th की बुक में देने का एक ही मकसद है कि बच्चों को 1.2 जो बेसिक फंडामेंटल है वो आए, राइट। तो इसलिए आप उस थ्योरम को समझने का जरूर प्रयास करें और पिछले वीडियो को जरूर देखें, राइट। आज मैं शुरू कर रहा हूँ आपका दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा क्वेश्चन करा रहा हूँ, राइट। तो पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, 156 दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो अतः आपको क्या करना है, अतः, और 156 को आपको इस तरीके से लिखना है, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6 बच गया, 1 2 18, फिर से 3 से काट सकते हो, 3 1 कम, 3 3 9, अतः लिख सकते हो आप अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, अतः अभाज्य गुणनखंड 156 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 13, राइट। तो इस तरीके से जो हमने इस तरीके से लिखा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने इसको लिखा, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 3825, अतः 3825 के लिए हम क्या करेंगे, इसको फिर से भाग करेंगे, 5 7 35 बच गया आपके पास, 3 5 6 30 बच गया, 2 5 25, राइट। फिर मैंने 5 से भाग किया, 5 5 बच गया 2, है ना, तो बन गया 26 5 25, 5 3 15, फिर हम क्या कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 3 5 15, 3 1 3, अतः इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको लिखना है। ये वाली लाइन में बार बार लिखूंगा नहीं, आपको 3825, आपको 3825 बराबर क्या लिखना है, 5 × 5 × 3 ×, इसको अभी और भी आप इसे कर सकते हो, इसे कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, राइट। तो 3 1 3 और बच गया 3 7 21 17, है ना, राइट। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या आ गया आपके पास, 3825 बराबर, देखो ये जो है ना, 5 × 5 × 3 × 3 × 17, इस फॉर्म में आपको लिखना है, राइट। तो 5 × 5 × 3 × 3 × में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा, राइट। तो ये क्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने क्या किया, इसको व्यक्त कर दिया, राइट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ के आपके पास 5005, तो 5005 के हम क्या करेंगे इसी तरीके से, तो देखो यहाँ पे शुरू में 5, तो 5 5 5 5 5, 0 0 5 5, फिर किसकी किससे जाएगा ये, देखो 7 से भी जा सकता है ये, 7 1 7 बच गया 3 7 4 7 21, फिर किससे जाएगी 47, 11 चला जाएगा, 11 कम 11 11 33, अब ये नहीं जाएगा, तो हम इसे गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। और गुणनखंड के रूप में लिखने का मतलब ये जो सारे अंक आए हैं वही आपको लिखना है, 5 × 7 × 11 × 13, तो ये आपको क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या हो जाएगा, व्यक्त हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास 74 29, राइट। तो इसको अब 74 29 है, तो इसको हमें क्या करना है, देखो ये क्वेश्चन बड़ा स्पेशल दिया होगा ना एनसीईआरटी में, राइट, क्योंकि बच्चा क्या करता है कि एक पढ़ता है, 3 से डिवाइड करने का प्रयास करेगा इसको, 7 से करने का, 9 से करने का, 11 से करने का, 13 से करने का, बच्चा फिर हार लेता है, अरे किससे भाग ही नहीं होगा, लेकिन ये किससे भाग होगा, 17 से भाग होगा, राइट। और 17 का फंड आपको याद करना पड़ेगा, और 17 से आपको क्या करना है, इसको पहले डिवाइड करना है, तो 17 चौका क्या हो गया आपके पास, 17 चौका 68, है ना, 17 17 64, 17 5 85, 85 ज्यादा, 17 64 68, 64 में 67 गया, तो बन गया आपके, बच गया आपके पास यहाँ पर 6, है ना, और तो ये बन गया 17 बन गया 62, 17 51, बच गया 11, 17 17 119, राइट। और आप क्या करेंगे, आप इसे 19 से डिवाइड करेंगे, तो 19 से डिवाइड हो जाएगा ये, 19 से कम 19 38, और आपके पास बचेगा 5, 19 दिया क्या हो जाएगा 57, और 23 किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा आपके पास 74 29 का 17 × 19 × 23। थोड़ा सा बच्चों आपको इस क्वेश्चन में, यानी जो लास्ट वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा बी पेशेंस और आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा ये इस तरीके से मल्टीपल बनाया, 17 19 23 के मतलब मल्टीप्लाई के रूप में आ रहा है, गुणनखंड के रूप में आ रहा है, तो थोड़ा सा वहां तक भी हमें कभी कभी डिवाइड करना पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है। अदरवाइज ये चैप्टर का ये क्वेश्चन यानी इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और आई होप कि आपको ये सवाल समझ में, मतलब ये क्वेश्चन आपके सारे समझ में आ गए होंगे, और अगर आ गया तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट, ठीक है, ये आपका अगर लाइक और सब्सक्राइब आपके लिए मेरे लिए क्या होगा, थैंक्स, राइट, थैंक यू।